नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो मेडिसिन अभी ट्रेंडिंग में है और उस मेडिसिन के डोज के बारे में चर्चा करेंगे कैसे मरीजों में ज्यादा इफेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे तो मेडिसिन है फ्रेंड्स आर्सेनिक एल्बम आर्सेनिक एल्बम एक होम्योपैथी की ऐसी वेस्ट मेडिसिन है जो प्रिवेंशन के तौर पर सबसे ज्यादा यूज की जा रही है लेकिन आप सभी को ये नहीं पता है कि इसे यूज कैसे करना है इसका उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे आपको उपयोग करना है कब उपयोग करना है और इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको क्या सावधानियां रखना है डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको ये कैसे लेना है तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आपको कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्सेनिक एल्बम है क्या एल्बम फ्रेंड्स एक ऐसे है जो वाइट ऑक्साइड से, जाती है और से ये ऐसे मरीजों में सबसे डरे हुए हैं उनको लगता है कि मुझ पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी मेरी डेथ हो जाएगी यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसे पेशेंट में सबसे ज्यादा ये वर्क करती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ऐसे पेशेंट जिनको रात में बारह बजे के बाद दिन में बारह बजे के बाद बढ़ जाती है और ऐसे में लगता है है और ऐसे लगता कि जो affected part है जैसे गले में उनको कोई समस्या है या या फिर फिर में में कोई समस्या है या फिर जहां भी की जिस पार्ट में उनको समस्या है उनको ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट को एग्रावेशन यानी ऐसे पेशेंट की जो कंप्लेट होती है वो बढ़ जाती है जब कोई ठंडी चीज खाते हैं या फिर कोई ठंडा पानी पीते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी कंप्लेट्स जो होती है यानी उनकी परेशानी जो होती है बढ़ जाती है फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके डॉज के बारे में आपको कैसे लेना है फ्रेंड्स ये अगर थर्टी पोटेंशियल में आपको मिलता है तो खाली पेट आपको दिन में एक बार लेना होता है कंटिन्यूसली तीन दिन के लिए आप इसे कर सकते हैं और फ्रेंड्स जिन एरियाज में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है ग्रीन जोन है या फिर उनमें मरीजों की संख्या कम है तो ऐसे पेशेंट्स को ये रिपीट नहीं करनी है एक महीने बाद फिर से आप रिपीट कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट्स जिनको रेड जोन में रखा गया है जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स में फ्रेंड आप इसे पाँच दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है और बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को वोस्ट करता है और सारे सिम्टम्स को ये कम करता है फ्रेंड्स ऐसा देखा गया है कि जब से इस मेडिसिन को जिस जिस जगह पर दिया गया है वहाँ पर कोई भी सिम्टम्स या फिर कोई भी एक भी ऐसा मरीज नहीं निकला है जो कोरोना पॉजिटिव हो तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स को कैसे लेने चाहिए डायबिटीज के पेशेंट्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनको पिल्स नहीं लेना है डायबिटीज है जिन पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर लेवल रहता है तो ऐसी कंडीशन में उनको पिल्स नहीं लेनी है यानी कि गोलियों के रूप में ये नहीं लेना है उनको केवल लिक्विड फॉर्म में ये लेना होता है तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और इस वीडियो से जो आपको जानकारी मिली है उस वीडियो की जानकारी पर अमल करेंगे और आपको फायदा होगा फ्रेंड्स कठिन समय में हम आपके साथ हैं जितना हो सकते हैं हम आपकी सहायता करेंगे जितना हो सकते हैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे सो so फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते रहिएगा कमेंट्स करते रहिएगा वीडियो को लाइक करते रहिए फिर मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक थैंक्स फॉर वॉचिंग